देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जयपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी और एक महिला और दो बच्चों की हत्या का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, एक महिला और देखिए यहाँ पर दो बच्चों की हत्या का ये पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है। तो जयपुर में ट्रिपल मर्डर से देखिए सनसनी फैल गई है और ट्रिपल मर्डर की वारदात से कॉलोनी में दहशत का माहौल है और तस्वीरें हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी फरार बताया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर की वारदात से कॉलोनी में अब दहशत का माहौल है। ये बड़ी जानकारी, जयपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी का माहौल है। जयपुर में एक महिला और दो बच्चों की हत्या का ये पूरा मामला है। झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं और पुलिसकर्मी भी पहुंचे हैं जो कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज भी अब चेक किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, अभी इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि आरोपी फरार बताया जा रहा है, पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है, इसमें भी प्रॉपर ऑडियो है, ये भी चेक कर लेंगे एक बार। मर्डर की जो खबर है उसने यहाँ पर सनसनी फैला दी है। मैं वो घर आपको दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पर एक महिला अपने दो बच्चों के साथ में यहाँ पर जो है जिनकी यहाँ पर मौत जो है हो गई और उनकी जो है हत्या यहाँ पर की गई है। धारदार तरीके से जो है उनका गला काट करके जो है हत्या यहाँ पर की गई। जो अज्ञात व्यक्ति है वो उसके बाद में इस अपराध के बाद में फरार है और लगातार पुलिस जो है उसकी अब तलाश भी कर रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और इस पूरे घर के आसपास में क्राइम स्पॉट पर जो है एफएसएल टीम भी पहुंची हुई है जो कि साक्ष्य यहाँ पर जुटा रही है। इसमें जो जानकारी यहाँ पर सामने आई थी वो ये थी कि एक फायरिंग जो है वो यहाँ पर हुई, हालांकि इस बात की अभी तक तस्दीक जो है पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि एक महिला जिसका नाम कि सुमन बताया जा रहा है, 30 साल की उम्र है और अव्यांश और जिव्यांश जो दो बच्चे हैं उनके, एक 5 साल का बच्चा है, एक 2 साल का बालक है, उसकी यहाँ पर जो है गला काट करके, गला रेत करके जो है हत्या वो यहाँ पर हुई है। और इसे जो है अब इस पहली को जो सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन इससे पहले जो शव हैं उनको